माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ डाइस टाइप क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग द दिस टाइप ऑफ पैटर्न टाइप क्वेश्चन, आई एम डिस्कसिंग सम पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। जब किसी डाइस को हम खोलते हैं तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई पड़ता है, या तो डाइस इस पैटर्न में खुलती है या फिर इस पैटर्न में। अगर ये पैटर्न आपको पता है तो आप किसी डाइस को खोलकर देखना और आपको इसी पैटर्न मिलेंगे, या तो ये या तो फिर ये, यानी और भी हमारे पैटर्न मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो भी हमारी एक्सटेंडेड डाइस होगी उसके अपोजिट साइड का संस कितना होगा, 7। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस डाइस को खोला है तो ये इसका बेस था, ये इस डाइस का क्या था, बेस। अगर मैं इसको फोल्ड करना चाहूं, यानी 4 को मैं अगर इस तरफ मोड़ दूं और 3 को मैं इधर मोड़ दूं, ठीक, इसके बाद 1 को मैं इस साइड और 6 को मैं इधर करूंगा और 2 हमारा कहां चला जाएगा, 5 पर ओवरलैप होगा, तो हमारा एक डाइस बन जाएगा। तो क्या होगा कि 3 के सामने क्या होगा, 4, अपोजिट साइड हुए ना ये, 3 के साइड में क्या होगा, 4, तो 5 के अपोजिट में क्या जाएगा, 2, और 1 के अपोजिट में 6। तो आप देख सकते हैं अल्टरनेट, 3 के साइड में क्या होगा, 4, 1 के यहां पे अपोजिट में 6 और 5 के अपोजिट में 2 होगा, यानी 3 + 4 = 7, 1 + 6 = 7, 5 + 2 = 7। तो ये अगर आपको ये पैटर्न समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखिए, अगर इधर में पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है तो उसका अल्टरनेट में क्या है, 2, और 3 है तो 3 का अल्टरनेट में 4 अपोजिट में, और जब यहाँ 6 है तो 6 वाला कहाँ जाएगा, ये 1 पे। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ पे कितना होता, यहाँ पर 1 होता, ये 6 है, यहाँ पे अगर 1 होता तो यहाँ 6 होता। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 है, तो अल्टरनेट में हमारे का अपोजिट में सम होना चाहिए 7, और यहाँ 2 है तो इसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स में क्या आएगा, 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 5, यहाँ 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 6, यहाँ पे 4 है तो यहाँ कितना आएगा, 3। सो दिस इज आंसर। अब देखिए 1 यहाँ है तो 1 का कितना हुआ, 6, 4 यहाँ है, 4 का कितना हो जाएगा यहाँ, 3, 5 यहाँ है, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। दिस इज ए आंसर। थैंक यू।